हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं अच्छी हूँ और आज मैं पूरे घर की डस्टिंग कर रही हूँ। फ्रेंड्स, बहुत ऊपर से भी वो तो डस्टिंग हो गई थी, फ़ैन पंखों के ऊपर भी। तो मैं आज मॉर्निंग में ही मैंने पहले ब्रेकफास्ट बनाया तो बेटे को डाल कर दिया टिफ़िन में, वो तो गया स्कूल। तो हस्बैंड ने भी ब्रेकफास्ट कर लिया। आज मैं वो वीडियो बनाई ही नहीं क्योंकि मैं जल्दी जल्दी कर रही थी, क्योंकि मुझे आज सारे रूम्स की डस्टिंग करनी थी। तो मैंने आज वो ये जो जाले साफ़ करने वाला होता है ये भी लिया था, तो झाड़ू भी, तो एक एक रूम की करते आ रही थी। तो ये अब मैं बेड भी साफ़ कर रही थी, साथ साथ में फ़ैन भी साफ़ कर रही थी। फ्रेंड्स, तो कब से लगी हुई थी, आज सुबह से ही। मैं दोपहर के कम से कम 2 बज गए मुझे, 2:30, 2 बज, 2 से ज़्यादा बज गए। तो ये सारे मैं जाले साफ़ कर रही थी फ्रेंड्स, इतना ज़्यादा गंदा हो गया था ना, किया ही नहीं था मैंने साफ़। करती हूँ लेकिन मतलब क्या, कुछ दिनों से किया ही नहीं था। तो साथ में मैंने एक गीला कपड़ा लिया था सबको, मतलब कि हर एक चीज़ को, जैसे टीवी को, हर एक चीज़ को साफ़ साथ साथ में करते जा रही थी। इतना ज़्यादा वो था, गंद था। और फ़ैन भी किए, अभी फ़ैन मैंने सिर्फ नीचे से ही किए। अब किसी दिन मैं वो रख कर, सीढ़ी रख कर, तो फ़ैन मैं सीढ़ी के ऊपर चढ़कर अच्छे से फ़ैन को भी गीले कपड़े से साफ़ करूँगी फ्रेंड्स। तो आज पूरा दिन मेरा इसी में ही चला गया, मतलब कि 2:30 बज गए यही काम करते। तो हस्बैंड के तो आपको पता है एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो वो थोड़ी लेट ही जाते हैं, कोई 1-2 बजे जा, हाँ 1-2 बजे जाते हैं। तो हाँ, यही मैं कर रही थी। और ये करते करते मेरी आँख में भी गिर गया, आज मेरी आँखों में गिर गया डस्टिंग करते करते। फ़ैन की, अंदर वाले फ़ैन की भी की, ये वाले भी। तो इसका जो कचरा था वो मेरी आँख में गया, तो मेरी आँख में कितनी जलन पड़ रही थी। तो बाकी तो मैं अंदर वाले कर लिए, रूम वाले, बाहर वाला किचन वाला बचा था ये वाला, तो मैंने कहा चलो ये भी कर लेती हूँ। पूरा सुबह फ्रेंड्स 5 बजे उठती हूँ मैं, 5 बजे उठने पर भी मतलब कि जल्दी काम नहीं होता ख़त्म। आहिस्ता आहिस्ता मैं खुद ही फ़िलहाल करती हूँ, मैं किसी की हेल्प नहीं लेती हूँ, क्योंकि एक तो पहले ही वेट भी बढ़ गया मेरा। तो मैं सोचती हूँ कि चलो काम वगैरह करते रहूँगी तो मेरा थोड़ा वेट भी कंट्रोल में आ जाएगा। तो आज फ्रेंड्स मैंने सुबह का ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, सिर्फ़ 1 कप चाय पी थी। तो मैंने कहा चलो पहले काम कर लेती हूँ। और एक तो हमारी लाइट चली गई थी हमारे ही कब से, बिल्कुल अंधेरा था रूम में भी। तो अभी साथ साथ में फ़िलहाल मैंने वो भी कर दिया था, दाल भी रख दी थी, दाल मैंने कहा। तो फ्रेंड्स आज फ़ैन तो इतने ज़्यादा गंदे हो गए थे ना मेरे कि बता ही नहीं सकती, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं डस्टिंग कर लूँगी। तो फ्रेंड्स पहले लाइट चली गई थी, बिल्कुल घर पे अंधेरा ही हो गया था। तो अब जैसे ही लाइट आई तो मेरी डस्टिंग कंप्लीट हुई, तो मैंने कहा पहले मैं किचन साफ़ कर लेती हूँ तो फिर पोछे वगैरह लगाऊँगी। तो ये गैस भी साफ, गैस स्टोव भी साफ़ कर रही थी, बर्तन वगैरह भी साफ़ कर लिए, तो पोछे भी लगा लिए मैंने फ्रेंड्स। तो अभी ये दाल को तड़का वगैरह लगा रही थी, येलो वाली मूंग की दाल, वही सिंपल तरीके से घर के मसाले डालूंगी, नमक, मिर्च, हल्दी, पीसी मिर्च और अदरक लाई थी मैंने, आपको बताया था ना उस दिन, अदरक नया लाई थी, कच्चा कच्चा अदरक, तो वो थोड़ा सा डाला। और साथ में मैंने पत्ता गोभी काट कर रखी थी बिल्कुल बारीक बारीक, तो उसमें छोटे छोटे कट के आलू डालकर वो भी मैंने साथ में बना दी। मैंने कहा चलो खाली दाल फिर खाने का मन नहीं करता है, तो चलो दाल के साथ हो जाएगी, तो रोटी तो मैं उसी वक्त बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स अभी कम से कम दोपहर के 1:30 बज गया था, तो ये मैं बना रही थी जब एकदम से पसीने से मैं भीग गई थी। गर्मी भी पता नहीं कितनी ज़्यादा हो रही है फ्रेंड्स, जैसे जैसे अब लग रहा है कि गर्मी जाएगी लेकिन ऐसे लग रहा है कि गर्मी वापस आ रही है। तो अभी मेरे को स्कूल, अभी मेरे को बेटे को भी स्कूल लेने जाना है, अभी खुद भी फ्रेश भी होना है। तो पूरा दिन फ्रेंड्स इतना ज़्यादा काम हो जाता है, आपको बता भी रही थी कि कल मैं, कि मेरे ये राइट वाले शोल्डर में और पूरी बाजू में पेन हो रही है, पता नहीं, मैं बहुत इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ ना फ्रेंड्स पूरे दिन काम करके, लेकिन फिर भी करना ही है। तो ये पत्ता गोभी पहले मैं भून लूँगी अच्छे से, फिर इसमें वो डालूँगी सारे मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी वगैरह, जो भी घर के मसाले होते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मुझे, मेरे चैनल को प्लीज़ आप, मतलब कि ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा मेरी वीडियो देखिए, थोड़ा शेयर कीजिए फ्रेंड्स। जब तक आप शेयर नहीं करोगे तो मेरी फ्रेंड्स कैसे इतनी चलेगी फ्रेंड्स।
तो प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि मुझे थोड़ी सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स, मेरी वीडियो वायरल कीजिए, सॉरी मेरी वीडियो शेयर कीजिए फ्रेंड्स। मैं तो अभी मतलब कि नई नई हूँ तो थोड़ा मुझे इतना आता नहीं है, चलो फिर भी सीख रही हूँ फ्रेंड्स, कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी मेरी वीडियो शेयर ही नहीं कर रहे फ्रेंड्स, तो ना ही मेरे सब्सक्राइबर हो रहे हैं। कितनी मैंने वीडियोस हो गई हैं लेकिन अभी तक मेरे 50 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए हैं फ्रेंड्स, तो ये मैंने बीच में दाल डाल दी है फ्रेंड्स, और ये अब मैं सारी इसमें ही वापस उसमें डाल दी कुकर में ही मैंने, तो उसमें पत्ता गोभी में भी मैंने मसाले ऐड कर दिए। तो ये फ्रेंड्स मैंने कहा थोड़ा, मैंने सुबह से आज कुछ भी नहीं खाया था, काम ही कर रही थी, तो मैंने ये थोड़ी टेस्ट करके देखी फ्रेंड्स, बड़ी अच्छी बड़ी टेस्ट लगती है फ्रेंड्स मुझे ये दाल, येलो वाली मूंग की दाल मुझे बहुत टेस्ट लगती है, जब इसमें टमाटर प्याज का तड़का लगा दो ना तो और ज़्यादा अच्छी लगती। तो ये मेरी पत्ता गोभी की सब्ज़ी भी बन गई फ्रेंड्स, तो साथ में मेरी दाल भी पक गई, चावल भी मैंने पका लिए, तो अब मैंने ये किचन क्लीन भी कर दी और मतलब कि सारे रूम्स भी पोछा झाड़ू वगैरह कर दिया। तो अब मैं फ्रेंड्स नहा फ्रेश होने के लिए जाऊंगी, तो मैं फ्रेश होकर आ, तो फ्रेंड्स मैं भी फ्रेश होकर आ गई और बेटे को अभी स्कूल लेकर जाऊंगी, सॉरी फ्रेंड्स बेटे को स्कूल लेने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स मैं बेटे को अब स्कूल से लेकर भी आ गई हूँ, तो वो गया है अभी फ़िलहाल मुंह वगैरह धोने के लिए, इतनी गर्मी में आता है तो थक जाता है वो भी। तो ये मैंने जो खाना बनाया है ये आपसे शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स, अभी हम दोनों खा रहे हैं। और फ्रेंड्स मैं अब वीडियो ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, और प्लीज़ फ्रेंड्स आपसे ये रिक्वेस्ट है मेरी वीडियो पूरी वॉच कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए, शेयर कीजिए, और आपसे मैं कल मिलूँगी अब नए ब्लॉग में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान रखिए। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉच।